वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। जिस तरह कोरोना ने पूरी दुनिया पर कहर बरपाया, उससे हर शख्स हैरान है। रिसर्च में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना के अलग अलग रूप भी दिखाई दे रहे हैं और उनमें कई बेहद घातक हैं। वैसे तो अभी काफी कुछ सामने आना बाकी है, लेकिन शुरुआती रिसर्च चिंता बढ़ाने वाली है। दुनिया डरी हुई है, आखिर वो अनदेखा कातिल कैसा है? क्या खतरनाक कोरोना अपना रंग रूप बदल रहा है? क्या ये वायरस शक्ल बदल बदल कर लोगों को शिकार बना रहा है? आखिर कोरोना नाम के उस वायरस के कितने रूप हैं? उस कोरोना का कौन सा रूप कितना खतरनाक है? सवाल बेशुमार हैं, लेकिन तमाम सवालों के जवाब अभी तक पूरी दुनिया के लिए सिर दर्द बने हुए हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि कोरोना के किस रूप ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है और दुनिया के किन किन हिस्सों में कौन कौन से रूप संक्रमण फैला रहे हैं। जब से दुनिया में कोरोना संकट गहराया है, तब से हम और आप रोजाना नए नए मेडिकल टर्म से परिचित हुए हैं। कोविड 19 से लेकर क्वारंटीन, सैनिटाइजेशन, लॉकडाउन और न जाने क्या क्या। लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अलग अलग देशों में रिसर्च करने वालों ने दुनिया के सामने नए नए शब्द भी गढ़े हैं और उन्हीं के जरिए पता चल पा रहा है कि कोरोना कितना घातक है। तमाम रिसर्च के बीच जिंदगी के दो दुश्मनों से पाला पड़ा है, उनके नाम हैं एल टाइप वायरस और एस टाइप वायरस। वैसे मेडिकल टर्म में इन्हें एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन नाम दिया जा रहा है। ये नाम सुनने में जितने सहज सरल हैं, हकीकत में उतने ही घातक। तो आपको बताते हैं कि आखिर ये एल टाइप वायरस और एस टाइप वायरस हैं क्या। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया को संकट में डालने वाला कोरोना लगातार अपने रूप में भी बदलाव कर रहा है। एल टाइप वायरस और एस टाइप वायरस भी उसी कोरोना के दो रूप हैं। वैज्ञानिक कोरोना वायरस में हो रहे बदलावों पर लगातार शोध में जुटे हैं। जो शुरुआती जानकारी आई है उसके मुताबिक एल टाइप वायरस और एस टाइप वायरस हिंदुस्तान में कहर बरपा रहे हैं, और इन दोनों में एल टाइप वायरस तो कोरोना ग्राफ को बेहद तेजी से बढ़ाने में मदद कर रहा है। नंबर्स कम है आपके 10-20, इससे आप कोई ज़्यादा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए थोड़ा और हमको नंबर्स चाहिए और इसका और जीनोम सीक्वेंस कई स्ट्रेन का, कई आइसोलेट का चाहिए, जिससे कि हम एक कंफर्म चीज में कंफर्म तरह से बता सकते हैं कि ये वायरस, ये आइसोलेट ज़्यादा खतरनाक है कि नहीं। दुनिया के किन हिस्सों में किस रूप से खतरा है, ये तो अभी रिसर्च का विषय है। लेकिन भारत के दो बड़े शहर जिनकी हालत बेहद चिंताजनक है, उन जगहों पर एल स्ट्रेन वायरस प्रकोप बनकर टूटा है। हिंदुस्तान के वे दो शहर हैं अहमदाबाद और इंदौर। इंदौर में कोरोना की वजह से हो रही मौतों के पीछे अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये मौतें कोरोना के ही एक घातक एल स्ट्रेन वायरस की वजह से हो रही है। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए इंदौर से सैंपल पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे गए हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिरकार इंदौर में कोरोना जो इतनी तेजी से अब तक बढ़ा है और इतने लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है, उसके पीछे कोरोना का कौन सा वायरस जिम्मेदार है। जिस रफ्तार से कोरोना नाम का ये घातक दुश्मन जान ले रहा है और लगातार लोगों को संक्रमित करता जा रहा है, उसके पीछे उसी एल टाइप वायरस को मुख्य वजह माना जा रहा है। अहमदाबाद में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 2200 के पार जा पहुंचा है, जबकि मौत का आंकड़ा 110 के करीब है। ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश के इंदौर का है। इंदौर में कोरोना पीड़ितों की संख्या 1180 के पार जा पहुंचा है, जबकि मौत का आंकड़ा 60 के करीब है। बताया गया है कि दो प्रकार के इस वायरस के स्ट्रेन हैं, एक एस स्ट्रेन जो उतना घातक नहीं है और दूसरा है एक एल स्ट्रेन जिसकी ज़्यादा एक विरुलेंट, जिसकी असर ज़्यादा होती है। तो इसकी भी एक अनुसंधान रिसर्च हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं और माना जा रहा है कि शायद इस स्ट्रेन गुजरात में है, इस वजह से ये थोड़ा इस तरह से मृत्यु के अंक भी बढ़ रहे हैं। पूरे विश्व में यह पाया गया है कि कोरोना वायरस की अलग अलग जीन्स हैं जिनके स्ट्रेन्स अलग अलग हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में यह स्टडी की जानी है कि अलग अलग स्थानों के
सैंपल्स लेके कि वो उनकी स्ट्रेन्स की स्टडी करेंगे, उसका कल्चर करेंगे, ऑटोमेटेड जीन एक्सट्रैक्शन करेंगे, जिसमें से इंदौर के, भोपाल के, कई जगहों के सैंपल्स भेजे जाएंगे। कोरोना के खतरनाक आंकड़ों के लिए उसी एल टाइप या एल स्ट्रेन वायरस को जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना का ये रूप बेहद खतरनाक है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको बताते हैं एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन में मुख्य तौर पर क्या फर्क है और इन दोनों का क्या कनेक्शन है। गुजरात और मध्य प्रदेश में एल स्ट्रेन ने कहर बरपाया है, केरल में एस स्ट्रेन का असर दिख रहा है। मतलब एस स्ट्रेन की तुलना में एल स्ट्रेन ज्यादा घातक है, तभी तो केरल में कोरोना मीटर की रफ्तार देश के अन्य हिस्सों की तुलना में कम है। सवाल है कि आखिर एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन की मिस्ट्री क्या है और ये कहां से आए, तो आपको बताते हैं इनकी असलियत। कुछ शोधकर्ताओं के दावे हैं कि एस स्ट्रेन पहले आया, फिर एल स्ट्रेन अस्तित्व में आया, लेकिन इन दोनों में एल स्ट्रेन सबसे घातक है। इसके फैलने की रफ्तार भी काफी तेज है। किसी तरीके से अगर हम इस वायरस की, जो एक सिंगल एक सांप की तरह है जिसके चारों तरफ फैट की लेयर है, अगर फैट को डिसॉल्व कर दे, चाहे हीट से 60 डिग्री हीट के अंदर में, चाहे अवन से, चाहे हम इसको डिसॉल्व कर दे साबुन से, चाहे इसको हम डिसॉल्व कर दे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से, तो ये फैट डिसॉल्व हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए नंगा हो जाएगा और वायरस मर जाएगा। वैसे माना जा रहा है कि वायरस का एल टाइप चीन के वुहान में मिले वायरस जैसा है, यानी इंदौर और अहमदाबाद में कोरोना संकट का कनेक्शन वुहान से है। गुजरात में बढ़ते मौत के आंकड़ों की वजह कोरोना का एल स्ट्रेन वायरस टाइप बताया जा रहा है। दरअसल ये एल स्ट्रेन वायरस टाइप एस स्ट्रेन वायरस टाइप से काफी ज्यादा ताकतवर है। ये वही वायरस है जिसने वुहान में कोहराम मचाया था। माना जा रहा है कि ये वायरस इतना स्ट्रांग है जिसकी वजह से लोगों को ठीक होने में ज्यादा वक्त लगता है, साथ ही जो लोग अस्पताल में हैं उनकी मौत भी इसी की वजह से हो रही है। अब आपको बताते हैं इसके पीछे की असलियत। दरअसल ये कहानी शुरू होती है वुहान से। चीन के नेशनल सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेशन ने एक स्टडी में 10,000 सैंपल्स के आधार पर वायरस के 4,300 बदलाव दर्ज किए थे। वहीं से ये पता चला कि कोरोना के तीन स्ट्रेन होते हैं, ए, बी और सी। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों को लगता है कि कुछ स्ट्रेन ऐसे भी हैं जिनकी ताकत का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। भारतीय वैज्ञानिकों के अनुमान का आधार था देश में अलग अलग मरीजों में अलग बदलाव वाले कोरोना वायरस की मौजूदगी। जैसे जयपुर में जो संक्रमित मिले इटली के नागरिकों में चेक गणराज्य, स्कॉटलैंड, फिनलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, शंघाई और आयरलैंड में फैले वायरस के जैसी समानता दिखी। जबकि दिल्ली के मरीज के संपर्क में आए आगरा के मरीजों में मिलने वाले संक्रमण का स्ट्रेन नीदरलैंड, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील और स्विट्जरलैंड जैसा था। इस बीच वैज्ञानिकों को भारतीय मरीज में वायरस का पांचवा बदलाव भी देखने को मिला। भारतीय मरीजों में अब तक 17 से भी ज्यादा देशों के वायरस मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारतीय मरीजों में अब तक मिलने वाले वायरस किसी एक देश के वायरस जैसे नहीं है। केरल में एस वायरस ने तबाही मचाई, जबकि मध्य प्रदेश और गुजरात में एल स्ट्रेन वाला कोरोना वायरस लगातार मौत की तादाद बढ़ाने का काम कर रहा है। शुरुआती रिसर्च बताती है कि एल स्ट्रेन वाला कोरोना वायरस इस स्ट्रेन वाले एस स्ट्रेन वाले वायरस के मुकाबले ज्यादा जानलेवा माना जा रहा है। अब आपको बताते हैं कोरोना के एल टाइप और एस टाइप वायरस में क्या क्या फर्क है। एल स्ट्रेन वायरस से पीड़ितों की रिकवरी का अनुपात काफी कम है, वहीं एस स्ट्रेन में रिकवरी की गुंजाइश ज्यादा है। एल स्ट्रेन किडनी, कैंसर, हार्ट जैसी गंभीर मरीजों के लिए ज्यादा खतरनाक है, एस स्ट्रेन उतना घातक नहीं है। एल स्ट्रेन के पीड़ित कुछ मरीज 30 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे, तब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि एस टाइप वाले मरीज जल्द ठीक होते हैं। अहमदाबाद की नियोमी शाह भी उन कोरोना पीड़ित में शामिल हैं जो 30 दिन तक जिंदगी मौत से जूझती रहीं। 30 दिन के बाद उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई और वो अपने घर लौट पाई। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, कोरोना जैसे घातक दुश्मन का सच सामने आता जा रहा है। वैज्ञानिक भी पूरी शिद्दत से रहस्य का पर्दा उठाने में जुटे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि वायरस का एक एक सच जल्द सामने आएगा। आज तक ब्यूरो।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।